सर्वेभ्यो जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पंडित प्रशांत वशिष्ठ न्यूज विलेज इंडिया चैनल के सभी दर्शकों का रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। वे आज का जो मुख्य विषय है वह है रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन बहुत ही इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि रक्षाबंधन हमें कब मनाना चाहिए, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। तो यहां पर धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु एवं पुरुषार्थ चिंतामणि जैसे प्रामाणिक ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए हम इस विषय को निकालेंगे कि रक्षाबंधन वास्तविकता में कब मनाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि रक्षाबंधन का कर्म काल क्या होता है। तो रक्षाबंधन का कर्म काल निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों ने माना है अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा। अब अपराह्न क्या है, तो एक दिन को 5 भागों में बांटा जाए। 5 भागों में बांटने पर दिन का जो चौथा भाग होगा वह अपराह्न काल होगा। तो जिस दिन अपराह्न काल में पूर्णमासी व्याप्त हो उस दिन हमको रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। अब हम देखते हैं 30 अगस्त 2023 को चतुर्दशी 11:37 अर्थात 10:59 तक है। इसके बाद में पूर्णमासी लग रही है और उसी समय पर भद्रा का भी प्रवेश हो रहा है। और शास्त्र कहता है कि भद्रायाम द्वेर कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, भद्राओं में 2 कर्म विशेष करके नहीं करने चाहिए, एक तो रक्षाबंधन का पर्व और दूसरा होलिका दहन। तब हमको क्या करना है, तो पुरुषार्थ चिंतामणि जैसे ग्रंथों में यह प्रमाण प्राप्त होता है कि जिस दिन अपराह्न काल में पूर्णमासी व्याप्त हो और भद्रा भी उसी के साथ में लग रही हो तो प्रदोष के उपरांत में भद्राओं के खत्म होने के बाद रक्षाबंधन का पर्व पूर्ण उल्लास के साथ में मनाया जा सकता है। तो यहां पर यह शंका भी हमारी खत्म हो जाती है कि रक्षाबंधन के पर्व को रात्रि में कैसे मनाएंगे। रक्षाबंधन को ऐसी स्थिति में रात्रि में मनाया जा सकता है, यह भी शास्त्रोक्त है। अब यहां पर एक बात आती है कि श्रवण पूजन कैसे करेंगे, ग्रामीण भाषा में बोलते हैं सोनाओं का पूजन कैसे किया जाएगा। तो आप 30 तारीख को श्रवण पूजन कर सकते हो, सोनाओं का पूजन कर सकते हो, परंतु आप उनको राखी नहीं चढ़ाओगे। राखी आपको 30 अगस्त को रात्रि में 9:02 के बाद, क्योंकि 9:02 तक भद्राओं का प्रवेश रहेगा, भद्रा वहां तक रहेंगी, इसके बाद में 9:02 के बाद में भद्रा समाप्त हो जाएंगी और इसके बाद में रक्षाबंधन का पर्व मनाना प्रारंभ होगा। 30 अगस्त को रात्रि में 9:02 के बाद में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पहले राखी लेकर के ठाकुर जी को समर्पित करनी है, जो आपने दिन में श्रवण पूजन किया है उस सोनाओं पर आपको राखी चढ़ानी है और इसके बाद में बहन भाई आपस में इस रक्षाबंधन के पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ में मनाएं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि 31 तारीख को क्यों नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि 31 तारीख को 1:52 जो पूर्णिमा है वो मात्र 1:52 तक है, अर्थात 7:06 तक है और उसके बाद में फिर प्रतिपदा लग जाएगी। अब यहां पर एक शर्त है कि यदि त्रिमुहूर्त व्यापनी पूर्णिमा दूसरे दिन है, त्रिमुहूर्त अर्थात 144 मिनट, 2:24 तक सूर्योदय से लेकर के 2:24 तक यदि पूर्णिमा 31 तारीख को होती तो यह पर्व 31 तारीख को ही मनाया जाता। कम से कम 6 घंटी होना अत्यंत अनिवार्य है। तो 31 तारीख को जो पूर्णमासी है वह 6 घंटी नहीं है, वह त्रिमुहूर्त व्यापनी नहीं है, वह त्रिमुहूर्त व्यापनी से कम है। इसलिए यदि आप 31 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व मनाते हो तो वह पर्व आप प्रतिपदा में मनाओगे, आपका वह पूर्णिमा में नहीं माना जाएगा। और प्रतिपदा में रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु जैसे पवित्र ग्रंथ स्पष्ट मना करते हैं
यदि आप फिर भी रक्षाबंधन को अपने मनमुखी तरीके से मनाते हो तो वह भाई और बहन सभी के लिए अशुभ फल देने वाला होता है। रक्षाबंधन का पर्व प्रामाणिक तरीके से, शास्त्रोक्त तरीके से, धर्म सिंधु धर्म ग्रंथों को दृष्टिकोण में रखते हुए 30 तारीख को रात्रि में 9:02 के बाद में मनाया जाएगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी NVI चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज विलेज इंडिया, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।